मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत और उप विषय है पुनः अभ्यास भारतीय। मैंने आपको पहले पीडीएफ और वीडियो भिजवा दी है, अब ये पुनः अभ्यास के लिए बताया जा रहा है आपको, जिससे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को याद करें, खाली स्थान याद करें, सही गलत को याद करें और अच्छे से अच्छे नंबर सब भैया बहनों के आएं। तो भारतीयों ने लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रमणों से डटकर संघर्ष किया, सामने किया विदेशी आक्रमणों को परास्त किया। मुगल शासन में एक नए प्रकार का आक्रमण हमारे देश में होने प्रारंभ हुआ। हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में भारत की समृद्धिया की कहानी लोग सुनाते थे। यहाँ से व्यापार करने के लिए लोग आए यहाँ पर। इन व्यापारों से भारत खाद्यान्न, मेवे, वस्त्र, जड़ी बूटियाँ आदि ले जाकर वे अपने अपने देशों में बेचते और उन्हें लाभ होने लगा। इससे लाभ हुआ तो फिर और व्यापारी भी आए यहाँ पर। सर्वप्रथम पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा एक नाविक भारत में समुद्र यात्रा से आया और यहाँ की संपदा की बारे में बताया, किसे अपने देश में सुनाए। पुर्तगाली भारत पश्चिमी तट पर आकर बसे, जहाँ आज गोवा प्रदेश है, अपनी बस्तियाँ बनाई। हॉलैंड और डच व्यापारी आए, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और वापस चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए, लगभग 400 वर्ष पूर्व अपने देश में व्यापार करने के लिए चालाक अंग्रेज भारत आए। भारत में आकर उन्होंने संपूर्ण स्थिति अध्ययन किया, योजना बनाई। इंग्लैंड की सरकार ने अनुमति लेकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी अस्वस्थ थी, तब जो कंपनी के थे डॉक्टर, उन्होंने उनका इलाज किया और इलाज में वह सही हो गई तो उन्होंने खुश होकर सूरत नगर में, गुजरात के सूरत नगर, अपनी कोठी बनाने की अनुमति दे दी। यानी आप अंग्रेज, आप यहाँ पर कोठी बनाएं। और धीरे धीरे उन्होंने कलकत्ता, मुंबई अपने केंद्र बनाने प्रारंभ कर दिए और छोटे छोटे राज्य, उस समय छोटे छोटे राज्य थे और जो नवाब और राजा थे उन्होंने आपस में लड़ाया और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाया। अब मैं आपको छत्रपति शिवाजी काल तक अंग्रेजों की दाल नहीं गल सकी। उसके बाद उन्होंने 1805 तक भारत के पूर्वी तथा पूरा अधिकार कर लिया था। मराठा मंडल छिन्न भिन्न हो गया था। अब मैं आपको प्रश्न, अंग्रेजों ने राजाओं की किस कमजोरी का लाभ उठाया, तो अंग्रेज ने एक एक कर यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाकर
लड़ाकर उनमें फूट डालकर फूट डालकर लाभ उठाया। अंग्रेजों ने एक एक कर यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाकर उनमें फूट डालकर यानी लड़ाकर और फूट डालकर उनका लाभ उठाया। अब प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने देश के किस भाग पर आधिपत्य जमाया, यानी जो डच आए थे तो उन्होंने तो गोवा प्रदेश पर जमाया था, और जो अंग्रेज आए थे उन्होंने सूरत गुजरात के सूरत नगर पर आकर के अपना सूरत नगर सूरत नगर आधिपत्य जमाया। प्रश्न नंबर 10, यूरोप के व्यापारी भारत में मुख्य रूप से किन किन वस्तुओं को ले जाते थे, तो मैंने बताया था आपको खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियां और वस्त्र। यूरोप के व्यापारी भारत से मुख्य रूप से खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियां वस्त्र आदि ले जाते थे। यूरोप के व्यापारी भारत से मुख्य रूप से खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियां, वस्त्र आदि ले जाया करते थे और अपने यहां पर बेच के उन्हें लाभ होता था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई, तो उन्होंने कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। पांडिचेरी में किसने अपनी बस्तियां बनाई, तो फ्रांसीसियों ने बनाई थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में किसने अपनी बस्तियां बनाई, तो फ्रांसीसियों ने। इन शब्दों को वो ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब मैं आपको रिक्त स्थान
की पूर्ति कीजिए का ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की राजधानी में बनाई, जो ईस्ट इंडिया बनाई कंपनी उन्होंने अंग्रेजों ने, तो ये राजधानी बनाई कोलकाता। कोलकाता इसे भर लेंगे सही करके। अब देखिए खा, यूरोप के देश में भारत की कहानियाँ लोग सुनाते थे, यानी काहे की समृद्धि। की कहानियाँ लोग सुनाते थे क्या ये देश भारत बहुत यानी अमीर देश है, वहाँ सोने चांदी बहुत है, हीरे जवाहरात हैं, तो समृद्धि की कहानी लोग सुनाते थे, तभी व्यापार करने आते थे। गा, भारत में सर्वप्रथम व्यापारी देश से आए, तो कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से व्यापारी आए। घा, अंग्रेज व्यापारी अत्यंत थे, यानी वो कौन थे? चालाक व तेज। चालाक व तेज थे। अंग्रेजों ने राजाओं की आपसी का लाभ उठाया, यानी फूट का, उनमें आपस में फूट डाली राजाओं और नवाबों में। फूट का लाभ उठाया। अब ये प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गुणा का चिन्ह लगाइए क्रॉस का। तो देखिए का, पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर बसे, तो ये पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर बसे थे, तो ये सही है, तो ये बात सही, पश्चिमी तट पर बसे थे। नंबर खा, अंग्रेज सीधे और सरल व्यापारी थे, तो ये गलत है। सीधे और सरल व्यापारी नहीं थे, तेज और चालाक थे, तो ये गलत है। ये गा, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को कोठी बनाने की अनुमति दे दी, तो ये सही है, अनुमति दे दी थी। घा, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी व्यापारी आपस में प्यार से रहते थे, तो ये गलत है, वे लड़ते थे आपस में। शिवाजी के शासनकाल तक अंग्रेजों की दाल ना गल सकी, तो ये बात सही है। अब इसे आप याद करके और बार बार कॉपी पर लिख के देखें, तभी जिससे कि हमारे अंक अच्छे आ सकें। धन्यवाद।